गुड मॉर्निंग एवरी वन. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिराइव द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. फर्स्टली वी राइट द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to the external force applied on it. Okay? तो इसी स्टेटमेंट से हमने इसके एक्सप्रेशन को क्या करना है, डिराइव करना है. तो इन्होंने क्या बोला है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज को हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं डी बाई डी टी के साथ. किसका, लीनियर मोमेंटम का. लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट. यानी कि ये जो फोर्स थी जो एक्सटर्नली हम अप्लाई करते थे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. ठीक है, अब जो पी होता है लीनियर मोमेंटम वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. वी पुट द वैल्यू ऑफ पी हियर, डी एम वी बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. ओके, वेयर मास इज द कॉन्स्टेंट, डी वी बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. ओके, तो डी वी बाई डी टी, वी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है, हमारे पास एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे जो डी वी बाई डी टी वाला हमारे पास टर्म था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, एम ए प्रोपोर्शनैलिटी टू फोर्स. ओके, तो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं हम क्या लगाते हैं, कॉन्स्टेंट, एफ फिजिकल टू के एम ए. ओके, सो इफ द फोर्स इज 1 न्यूटन एंड मास इज 1 kg and the acceleration is 1 m/s² then the value of k is 1. अगर ये तीनों चीज़ें 1, 1, 1 हम लेते हैं तो k का वैल्यू क्या आ जाता है, 1 आ जाता है. ठीक है, तो अगर हम k का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है डैट इज़ f फिजिकल टू एम ए. ठीक है, दैट इज़ द मेन एक्सप्रेशन ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो हमें किसके बीच में रिलेशन बताता है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन बताता है. ठीक है, सो दिस इज़ द डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन.